वोट किसका? पीटीआई का। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। वोट इमरान खान को। क्यों? मेरा नाम इमरान खान। वोट किसका? इमरान खान। कान दिलों की जान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट में। ये हल्का है ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान डार साहब की वालदा रिहाना इम्तियाज डार साहिबा। इस हल्के का सर्वे करेंगे, इसके जो नतायज होंगे एज इट इज आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट किसका? वोट इमरान खान का। जान भी उसकी, वोट भी उसका। हक सच पे, हक सच की आवाज है, हक सच का वोट है। इमरान खान अगर इलेक्शन में खुद खड़ा ना हुआ फिर भी उसका, और बल्ला अगर ना हुआ फिर भी उसका, जो भी निशान आएगा उसका। तो यहाँ आप किसको वोट देंगे आपके इस हल्के में? मेरा वो मेरा हल्का संभड़े हल्का बनता है तो वो इमरान के जाएगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको देंगे? इमरान खान को इंशाल्लाह, पूरे जोश जज्बे से। क्यों? बस वो बंदा इंसान सही बंदा है, वो भाई साहब। वोट इमरान खान को ही देंगे। इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। सर वोट किसको देंगे? वोट भी नहीं डालना, कोई अभी नहीं डालना जी। वोट वोट किसका? इमरान खान का। वोट किसका? पीटीआई का। क्यों? वो अच्छा है हमारे हमारे लिए, अच्छा है, गरीबों के लिए अच्छा है वो। सर वोट नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ को जी। वोट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वोट किसको देंगे? हम लोगों ने पीटीआई को वोट देना है जनाब। क्यों? वोट देंगे भी और दिलवाएंगे भी, इसलिए दिलवाएंगे, ये मुल्क से भाग जाते हैं, ये सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए आते हैं, इसके अलावा इनके पास काम कोई नहीं है, ये नून लीग वाले जो हैं, इसलिए हम लोगों ने पीटीआई को वोट देना है। थैंक यू। वोट किसको देंगे? उसमें इमरान खान में, इसे पहला दफा में, पहली दफा वोट देंगे। हाँ पहला दफा वोट भी नहीं है जाते, इससे बड़ा बड़ा उलमा है मौलाना मोहम्मद तैयब साहब से। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। क्या करते हैं आप? मैं चाय बेचता हूँ। चाय बेचते हैं। क्यों देंगे इमरान खान को वोट? बस इमरान खान अच्छा है ना, अच्छा लीडर है। थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। सर वोट किसको देंगे? वोट पीपल्स पार्टी को सर। बड़ी बात है। हाँ जी, पीपल्स पार्टी का पक्का वोट है। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान का। क्यों? बस वैसे। क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं। और इमरान खान अगर इलेक्शन खुद ना लड़ा फिर? वो जो भी बंदा खड़ा होगा। और अगर बल्ले का निशान दोबारा छीन लिया? नहीं छीनेंगे। वोट इमरान खान का। वोट इमरान खान का। इमरान खान का। क्यों? इमरान खान का। पीटीआई का वोट। पीटीआई का। यही रक्षा चलाते हैं आप जी? तो इमरान खान को वोट क्यों देना चाह रहे हैं आप? इमरान खान को देना है वोट, वो ईमानदार बंदा। ईमानदार बंदा। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वोट किसको देंगे? वोट पीटीआई को देंगे। पीटीआई को। इमरान खान को। क्यों? बस मर्जी है। इमरान खान अगर खुद इलेक्शन ना लड़े तब भी? नहीं भी लड़ेगा, जमात पीटीआई है ना, पीटीआई को देंगे। और अगर बल्ले का निशान छीन लिया? कोई बात नहीं, फिर भी उसके देंगे। ओके। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बेस्ट मियां नवाज शरीफ। यहाँ से कौन लड़ रहा है? यहाँ से ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ सब लड़ रहे हैं जी। उनको देंगे जी? बिल्कुल। जिंदाबाद। ख्वाजा हमने पार्टी को देना, मुस्लिम लीग नून बेशक किसी खंबे को भी खड़ा करेगा, हम देंगे उसको वोट। तो क्या पोजीशन है यहाँ? इंशाल्लाह किया, मैंने घूमा थोड़े हालात, पतले नून लीग है। इंशाल्लाह बेहतरीन सीट निकालेगा ख्वाजा आसिफ इधर। अच्छा, बेहतरीन। तो ये ख्वाजा साहब जो तशद्दुद करवाते हैं लोगों के घरों पे, ये सही है? कोई ख्वाजा साहब ने तशद्दुद नहीं करवाया, क्या प्रूफ है इनके पास? ये जो आई है सामने, कोई वीडियोस वीडियोस आई है? आपने मरी हुई सियासत को जिंदा करने के लिए धारे का इल्जाम लगा सकता है? इल्जाम से कुछ भी नहीं होता है ना, उसका सबूत देना पड़ता है कि आया वो इतना पागल है कि एक वफाकी वजीर होने के नाते वो पुलिस के साथ जाके किसी घर में रेड करवा रहा है, खुद साथ जाता कोई? आप मुझे इसी का जवाब दे दें बस। सही कह रहे, सही कह रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह पीपल पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह। और जिंदाबाद। सर वोट किसी को नहीं? किसी को नहीं, मैं भी किसी को नहीं वोट दूंगा। इमरान खान को। इमरान खान? हाँ जी। क्यों? मेरा नाम इमरान खान है। अच्छा, आप अपने नाम को वोट देंगे? बस नाम को नहीं, उसके साथ प्यार भी, सारे खानदान का उसके साथ प्यार है। अच्छा जी। तो इमरान खान अगर खुद इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो भी वोट देंगे? जी इंशाल्लाह देगा। तो इस हल्के में क्या पोजीशन है इमरान खान की? बस मैं तो अभी नया आया हूँ, चार पाँच दिन हो गया, डस्के में रहा हूँ, नौशेरे में रहा हूँ, आटक में रहा हूँ, माशाल्लाह जितने लोग सारे इमरान खान के सपोर्टर होगा। वोट किसको दे रहे हैं? वोट सर नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। जी सर। जिंदाबाद सर। हाँ जी। थैंक यू। आज भी हमारे दिलों में नवाज शरीफ, कल भी और मरते दम तक। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद। पीटीआई को। क्यों? वो अच्छा है। अच्छा है। हाँ। अगर खुद इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो भी? पीटीआई को। पीटीआई को ही? जी भाई। वोट वोट इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई इंशाल्लाह। मतलब यहाँ पीटीआई है?
हाँ जी पीटीआई। तो अगर इमरान खान खुद इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो वो जिसको नॉमिनेट करेगा हम उसको वोट दे देंगे। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान का। इमरान खान, हाँ जी। क्यों? इमरान खान बंदा अच्छा है ना। क्यों? बाहर नहीं जाते है ना। अच्छा ठीक है, जेल काट रहे हो, बाहर नहीं जाते। अगर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेगा? नहीं लड़ेगा तो फिर पार्टी तो लड़ेगा ना। पार्टी का कोई बंदा भी होगा, जो भी होगा ना इसको देगा। वोट किसको देंगे? वोट हम इमरान खान को देंगे। क्यों? वो अच्छा है। अच्छा है वो, अपने वतन के लिए और अपने वतन के लिए सोचता है और सीधा चलता है, सही सही बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट्स किसको देंगे? पीटीआई। पीटीआई तो पीटीआई अगर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो भी पीटीआई। पीटीआई को। और अगर इमरान खान को बल्ला भी नहीं मिलता फिर भी पीटीआई, इमरान खान के लिए इन एनी केस पीटीआई। इन एनी केस पीटीआई। थैंक यू। वोट इमरान खान को। इमरान खान क्यों? बस देना इमरान खान को, मेरा बाप भी कहेगा तब भी इमरान खान को देना। ओ जिंदाबाद भाई। वोट इमरान खान। इमरान खान सर वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। ओके okay, okay. क्योंकि वो आदमी महंगाई घटाता है। ओके ओके। ते जेड़े दूसरे लोग ने वो उन्होंने वो महंगाई करते हैं। मेर चढ़ी है, आ मेरी रेड़ी है, एदी भी तस्वीर ले लो। हां हां। कर रहे हैं सानू मुआवजा कोई नहीं मिलता ना मालिक दी जात ते एक पुलिस वाला पैसे खोक ले गया। ओके okay. हां जी ओके okay. वोट किसको देंगे? वक्त के मुताबिक बताएंगे अभी इन जो। क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबल के लिए वही चाहिए, वही अच्छा है, वही इंशाल्लाह इख्तदार में आकर नया पाकिस्तान जो उसने कहा था इंशाल्लाह वही बनेगा। और हमारा ईमान है कि जो एक नेक इंसान है ना उसको ये दुनिया रहने नहीं देती। वोटों को देख लें, कोई भी ऐसा शख्स आएगा इसको रहने नहीं देंगे। अभी जो है वोटिंग का सिलसिला अभी जारी है तो अभी देख रहे हैं जो लोग अपने नामजदगी कागजात जमा करवाने जाते हैं उनके पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं। वो तो है वो सर, वजह कर रहे हैं सर। वोट इमरान खान। वोट 804 का वोट उसका जिसने नमूसे रिसालत के लिए अक़वामे मुत्तहिदा में आवाज उठाई। वोट उसका जो पूरी कौम के लिए ला रहा है। वोट किसको देंगे? वोट है नो लीग नो को। शेर को देंगे हम। शेर नहीं आना है, शेर ही जिंदा रहना है। हाँ शेर नहीं आना है। हमारी बात होगी ऊपर इंशाल्लाह, हमारी बात होगी ऊपर। हमारे सब भाई हैं ये नया पाकिस्तान। नोली नोली कहती है हमारी बात होगी ऊपर। ऊपर बात होगी हमारी इंशाल्लाह। भाई भी कंफर्म कर रहे हैं इस बात को, बात होगी ऊपर। किसको देंगे जी? हम लब्बैक या रसूलल्लाह को वोट देंगे, अपने दीन को वोट देंगे, क्योंकि इन कुत्तों दल्लों ने हमारा कुछ नहीं किया। लब्बैक वाले जो है ना वो कम से कम दीन का काम करेंगे जी। वो उनको वोट देना है सिर्फ दीन के लिए। अगर वो इस तरह का काम करेंगे तो हम उनको भी यही बोलेंगे। हाँ इंशाल्लाह हम मुसलमान, हमारा ये हक बनता है कि हम लब्बैक या रसूलल्लाह को सपोर्ट दें, दीन वालों को आगे लाएं। इनको बहुत बार ला के देख चुका है जी। सर वोट नवाज शरीफ। पीटीआई। दो लोग एक नून लीग और पीटीआई आगे पीछे बैठे हैं। क्या कॉम्बिनेशन है भाई। पीटीआई। सर वोट। वोट इमरान खान मुर्शिद है हमारे, वो फैन हम इमरान खान को वोट दें। सर वोट। वोट किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं देना। खान दिलों की जान। खान दिलों की जान जी। हम भी खान। खान अगर इलेक्शन नहीं लड़ेगा खुद क्या? अगर खान ने इलेक्शन ना लड़ा? लड़ेगा लड़ेगा, टेंशन ना लो। लड़ेगा। वोट किसको देना? वोट नहीं। अगर बल्ला वापस ले लिया उन्होंने, वापस ले लिया तो जो निशान होगा पीटीआई का वो देंगे, उसी को देंगे। उसी को देंगे सर। वोट इमरान खान। इमरान खान। इमरान है इंशाल्लाह। इमरान खान। शेर नवाज शरीफ। शेर बस खान को इंशाल्लाह वोट देंगे। इमरान खान। क्यों? इमरान खान अच्छा लीडर है। तो इमरान खान अगर खुद इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो भी देंगे? कोई बात नहीं, जेल से तो लड़ेगा, पार्टी तो नाम तो उसी का है। अगर बल्ला छीन लिया कोई बात नहीं, इमरान खान हमारे लिए इमरान खान इंतखाबे निशान। ओके सर वोट इमरान खान। इमरान खान। इमरान जी। इमरान खान जी वोट देंगे इमरान खान को। इतना सोच के क्यों बताया? डर भी लगता है। हाँ ये तो बहुत जायज बात है। डर भी लगता है, शहरदार मरकज में बैठे हुए हैं, सियालकोट के लामा इकबाल की दिल में बैठे हुए हैं हम, तो डर भी लगता है। तो इमरान खान अगर खुद इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो भी वोट देंगे उसी को? जी उसको ही देंगे। और अगर बल्ला छीन लिया? इंशाल्लाह अगर अल्लाह का साथ उसके साथ है तो मेरा ख्याल है कि नहीं छीना जाएगा, मिलेगा। यहाँ क्या पोजीशन है सियालकोट में इमरान खान? देखें जी, देखें पोजीशन तो पूरे पाकिस्तान में उसकी नंबर वन जा रही है। सियालकोट की आप बात छोड़ दें, ये तो छोटा सा शहर है,
20-25 लाख आदमी का शहर है सियालकोट, वो तो पूरे पाकिस्तान में पॉपुलर है, वो तो अब पॉपुलर हो गया है। ये बात नहीं है कि ये कह दें कि वो पॉपुलर नहीं है, वो बहुत पॉपुलर है। तो इंशाल्लाह ताला देखिए, वो अच्छा इंसान है, इससे पहले हमने काफी दौर देखा है, माशाल्लाह 65-66 साल उम्र हो गई है, तो इस दौर में काफी घूमते देखी हैं, लेकिन अच्छा इंसान है वो, उसका अल्लाह के साथ मामला आते हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा वो इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। इमरान खान का जनाब, इमरान खान के क्यों? बस दिल करता है, अच्छा है, अच्छा हाँ जी, साडा दीन दे विच चोर दा साथी चोर, जे असीं इहनां नूं वोट देंगे तो चोर चोरां दे नाल साथी बन जाएंगे, बस इन्नी सारी गल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वोट किसको देंगे? इमरान खान को। ये साथ साइकिलों का काम भी कर रहे हैं, साथ साथ बता भी रहे ये तो मजबूरी है, वोट किसको भी देंगे, काम तो करना ही करना है। तो वोट इमरान खान को क्यों देंगे? वो अच्छा आदमी है, स्कूलों में दीन बिल्कुल खत्म हो गया था, जब वो आया स्कूलों में दीन भी आया, सारा कुछ आया, दो गरीब आदमी का बहुत अच्छा काम हुआ जितना भी हुआ। अच्छा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? मैं चांद गाड़ी चलाता हूँ। चांद गाड़ी जी। और वोट किसको देंगे? वोट तो हम किसी को नहीं देंगे, जो हिसाब किताब चल रहा है ना हमारा, वोट हम किसी को नहीं देंगे, ना तो हमें नवाज शरीफ आगे घर में पैसे दे के जा रहा है और ना इमरान खान, सीधी सी बात है। मैंने अपने वाले साहब को भी रोका, आपने वोट किसी को नहीं देना, एक दो बंदों ने कहा आप इंडिया चले जाओ, इंडिया चले जाएंगे वो अच्छा है, लेकिन ये बात है कि जो हालात चल रहे हैं हम क्या करें, 1000 रुपए इसकी दिहाड़ी हम कैसे देंगे, 300 रुपए लीटर पेट्रोल है, ठीक है 1000 रुपए दिहाड़ी है इसकी, वो दिहाड़ी देंगे अपना खर्चा निकालेंगे क्या करेंगे बताएं। वोट है किसको देंगे? वोट जरा देने के लिए चंगा लगेगा जनाब, दे देंगे। मैं इस वक्त सियालकोट में मौजूद हूं, आपको बताया था कि सर्वेस चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और इस वक्त मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं ये आयरन लेडी हैं, और मेरे लिए एजाज की बात है कि जो मज़ाहमत की और इस्तकामत का एक इश्तहारा बन गई है, आप इनको जानते हैं, उस्मान डार साहब की वालदा हैं, रियाना इम्तियाज डार साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैं आपके बेटे का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आप आए मुझे मिले और मेरे इंटरव्यू के लिए आए, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही ख्वाजा आसिफ है जो असेंबली में खड़े होकर मेरी बहनों को तरीके इंसाफ को दूसरों को बातें करता था, तरह तरह के मजाक कराता था। मैं कहती हूँ अल्लाह तेरी कुदरत, ये मुकाफाती अमल हो गया कि ख्वाजा आसिफ के सामने एक औरत ही खड़ी होगी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बफजल खुदा इसकी एक औरत के हाथों शिकस्त होगी। वो तो मैंने सर्वे किया है आज काफी हद तक, उसके रिजल्ट अब मैं निकालूंगा, मुझे तो यही लग रहा है इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी। सियालकोट की अवाम इसे जवाब देगी, जिन सारी पाकिस्तान की खवातीन के लिए, शहर सियालकोट की खवातीन के लिए, ये मेरे शहर इकबाल का शहर है, मुझे बहुत अजीज है, उन्होंने ख्वाब देखा था। मैं सारी खवातीन को कहूंगी कि मैंने जहाद के लिए अपनी औरतों बहनों बेटियों के लिए ये कदम उठाया है, क्योंकि मैं गैरतमंद बेटों की माँ थी, मैं डिसीजन ले गई, अब किसी के किसी पाकिस्तान में ये कानून होना चाहिए, सियासत करे मगर किसी की माँ के गिरेबान में हाथ ना डाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अवलीन दर्जा दिया, नबी ने हुक्म दिया दस्तकार अंदर आए, ये नहीं कहा कि आप छलांगे लगाएं, आए चारों तरफ से दरवाजे तोड़ दे और औरत के गिरे भांज में हाथ डालें, चादर उतार दे, बाल खींच दे, ये क्या है, क्या हुआ जुल्म? मैं जुल्म के खिलाफ खड़ी हूं, मेरी पूरे पाकिस्तान में सब खवातीन से यही है कि आप खड़े हो जाएं, डट जाएं, ये जहादे फीस बिल लाया।